नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे है, वैसे तो थोड़ी अर्थमेटिक की बात होती, लेकिन मुझे लगा कि अर्थमेटिक के साथ साथ ओवरऑल जरा मैथमेटिक्स की भी बात कर ले। आज कल ऑर्गेनाइजर जो मुखपत्र है भाजपा और आरएसएस चारधारा का, उसमें एक लेख छपा है और उस लेख में उन्होंने बहुत सी चीजों पे बातचीत की है, बहुत सी चीजों को बताया है, लेकिन उसमें एक टर्म उन्होंने यूज किया कर्नाटका इलेक्शन को लेके, सरप्राइज इलेक्शन रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं वो, सरप्राइज बट नॉट शॉकिंग। और फिर वो बात कर रहे हैं, मैं भी आज आपसे यही बात करना चाहूंगा कि देश में देखिए 2024 के इलेक्शन की तैयारी तो पूरी तरह से हो रही है और सारा जो वक्तव्य हो रहा है, जो लोगों का विमर्श है, जो एक दूसरे के जो भाषण है, जो अपने को पोजिशनिंग कर रहा है, वो सब 2024 के इलेक्शन के हिसाब से कर रहे हैं। उस लेख ने में छपा है और उसमें लेख के अलावा मैं एक जनरल की भी बात कर रहा हूँ। वो लेख अपनी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब, मोदी जी सब कुछ, लेकिन वो साथ में भी कह रहा है कि इस समय भाजपा का केवल जो डिपेंडेंस है वो मोदी और हिंदुत्व पे है, और ये उनका कहना है कि इन केवल इन दो चीजों पे पूरी तरह से आश्रित होने से लॉन्ग टर्म भाजपा के लिए दिक्कत हो सकता है। और जो जो लेख का टेक अवे है, जिसको कहिए ना, जिससे लेख से आप क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या क्या वो बोल रहे हैं, उसको इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है। उस टेक अवे को अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी तरफ से उसकी पर टिप्पणी की है। तो एक तो उनका कहना यह है कि जो करप्शन एट स्टेट लेवल है उसको भी किसी तरह से दूर नहीं कर पाए, मतलब उसमें बहुत करप्शन है, मोदी जी की लहर भी उसको दूर दूर नहीं कर पाई। मतलब मोदी जी का जो पहले ताकत होती थी ना, मोदी मोदी, जैसे मोदी जी जाके खुद बैठते थे और खुद कहते थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा राज्य था तो उस समय किसी भी विशेष मतलब जो इसका विश्लेषण करते हैं उनके लिए बहुत आसान नहीं था कि ये मतलब ऐसे ही हो गया या मोदी जी का जादू नहीं चल पाया, क्योंकि मोदी जी ने वहां पे भी जाके कहा था कि मेरा इलेक्शन है, मेरे नाम पे वोट दीजिए, माय। लेकिन कर्नाटक में तो वो काफी कुछ हद तक ये पता लग गया कि करप्शन जो स्टेट लेवल का था वो हावी रहा चुनाव के दौरान। दूसरा एक चीज जो वो लेख भी कहता और वैसे भी है, कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप जो है वो एज कंपेयर टू बीजेपी की स्टेट लीडरशिप बेटर है। और कर्नाटक में भी देखिए हुआ क्या, कर्नाटक में, कर्नाटक में भी जो हिमाचल में किया था वो छोटे स्केल पे था, उसको हम लोग बहुत उसकी विवेचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने लोकल इश्यूज को, जो लार्जर इश्यूज थे उसको कांग्रेस ने नहीं पकड़ा, लोकल इश्यूज को पकड़ गया। उस लोकल इश्यूज में बहुत सी चीजें आई, उसपे कहीं ना कहीं आम पब्लिक की जवाबदेही हुई कहीं ना कहीं से जो बीजेपी का नेतृत्व था कि भाई इसमें आपने क्या किया था, और वहां पे जवाब देना मुश्किल था। होता क्या कि नेशनल इश्यूज आप ले आते हैं और उसके बाद स्टेट इश्यूज को लोग भूल जाते। अब बीजेपी की तरफ से क्या हो रहा है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी जी है, मोदी है तो करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही, ये मोदी 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 करते करते उनकी बहुत ज्यादा वो आज की तारीख में आश्रित हो गए मोदी जी के। अच्छा, उनके पास क्या दिक्कत हो रही है कि मुद्दा उनके पास एक ही हो रहा है, मोदी जी के पास, मोदी जी के पास ग्राउंड पे मुद्दे ऐसे नहीं है, वो मुद्दा एक ही है, हिंदू मुस्लिम। वो हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं को ये समझा के कि मुसलमानों का डर दिखा के और ये दिखा के कि अब एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू इस परिकल्पना को सपने बेचने की बात करके, जैसे 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, आत्मनिर्भर, विश्व गुरु, इन सबसे आम आदमी को क्या मतलब है? 5 ट्रिलियन हो जाए, 2 ट्रिलियन हो जाए, अगर उसके घर के चूल्हा चक्की में दिक्कत हो रही है तो वो क्या 5 ट्रिलियन करेगा? दूसरा एक और चीज है कि जब मोदी जी जानबूझकर स्टेट लीडरशिप को कट टू साइज रखते हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। मैं दो उदाहरण आपको जल्दी से देता हूँ। भाई आप गुजरात से ही शुरू करें, गुजरात में आप पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, पूरे चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं और फिर इलेक्शन चले जाते हैं और आप जीत के आ जाते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। आप महाराष्ट्र में आपकी एक जो स्टेट लीडरशिप जो अच्छे तौर से उभर रही थी, जिसका वो था देवेंद्र फडणवीस, आप उसको कट टू साइज करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। शिवराज सिंह चौहान को आप क्या करते हैं, येदुरप्पा को आप बाहर निकाल देते हैं फिर वापस लाते हैं। कहीं पे भी आप देख लीजिए वो स्टेट लीडरशिप को जो जो मोदी जी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, और बीजेपी तो मोदी जी के हिसाब से ले उसमें मतलब उसको पनपने नहीं दिया जाता है, और जो उनके सहयोगी पार्टी के साथ भी लागू होता है, जो एनडीए के सहयोगी हैं अब धीरे धीरे सब छोड़ के चले गए हैं, एक एक सीट वाले कुछ लोग रह गए हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले भी मजबूरी में है, वो मतलब
अगर सरकार केंद्र में किसी की भी आएगी वो उसके साथ नहीं। दूसरा, चुनाव हारने के जो मिथ हैं वो थोड़े से अब खत्म हो रहे हैं। एक तो पहले जो था कि ना मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही जीते, वो वाला मामला मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा नहीं है कि आएगा तो मोदी ही, कोई मुहर लग के नहीं। दूसरा, जो एक अमित शाह का था कि ये चाणक्य हैं और ये कहीं की भी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाते हैं कि वो धाराशाही हो जाते हैं और एक एक बूथ लेवल तक बात करते हैं और क्या क्या करते हैं, वो भी मिथ टूट गया है। देखिए, वो कोई चाणक्य नहीं है, वो चाणक्य नहीं है, वो सेठ हैं, पैसा लेके बैठते हैं, खूब पैसा बांटते हैं, चाहते हैं कि पैसे से इलेक्शन खरीद लिया जाए, उसमें कभी कामयाब होते हैं कभी नाकामयाब होते हैं। और तीसरा, जो उनका जो बार बार होता है ना, हम पन्ना प्रमुख तक है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, संगठन के रूप में वो, मतलब ये बिल्कुल साफ साफ होता जा रहा है कि ये सिर्फ दिखावा है। पन्ना प्रमुख अगर किसी का हो, मैं पहले भी इसको कह चुका हूँ, रिपीट फिर कर रहा हूँ, अगर किसी के पास पन्ना प्रमुख तक का संगठन है तो उसको चुनाव में अपने घर में सोना ही नहीं चाहिए, चद्दर खींच के सर पे ओढ़ के सो जाना चाहिए। ये सिर्फ भ्रमित करने की बात है, ये एक ऐसा नैरेटिव बनाने की। अब जरा ऑपोजिशन की भी बात करें, ऑपोजिशन में कांग्रेस का स्ट्रांग होने से जो एक ये चर्चा चलती थी ना कि यूपीए इररेलेवेंट है, यूपीए का क्या मतलब है, ये जो चर्चा अलग लोग चलाते थे और खास करके उस पर चार पांच लोग थे, मैं उनके नाम से भी अभी एक बार बात कर लूंगा, ममता जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर राव, ये सब लोग मिलकर अपना एक चलाते थे कि भाई यूपीए की क्या जरूरत, अब यूपीए तो इज अ स्पेंट फोर्स, हम लोग अलग से एक मोर्चा बनाए इत्यादि इत्यादि। तो कर्नाटक चुनाव जीतने से और इधर कुछ कांग्रेस में जान आने से वो वाली चर्चा अब खत्म हो गई है, अब इट इज अ नॉन रेलेवेंट इशू। दूसरी बात आती है, नीतीश कुमार के रूप में विपक्ष को एक जो ग्लू फैक्टर है, बाइंडिंग फैक्टर जो होता है, या जो एक फैक्टर जो लोगों से बातचीत तो कर रहा है कम से कम, वो एक कम्युनिकेटर भी मिल गया और एक बाइंडर भी मिल गया है। वो कम्युनिकेटर है, छोटी मोटी लोगों की होती है। अच्छा, विपक्ष की समस्याएं कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन उसको कोई एक आदमी ऐसा कम्युनिकेटर चाहिए जो उसको दोनों पक्षों की बात सुन के और एक काउंसलिंग की बात तो बांधने का काम वो कर रहा है और बखूबी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के रूप में विपक्ष के पास ये एक एडवांटेज हो गई। अब मैं जो चार लोग जो विपक्ष की राजनीति में ऐसा लगता था कि इन चार के बिना तो भाई दिक्कत हो रही थी, और वो चार का मैं नाम ले लूं, ममता बनर्जी जी ने मोर और लेस अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, उनका बिल्कुल साफ है कि वो भाई अगर बंगाल में कहीं कहीं जहां जहां कांग्रेस की दो सीटें हैं, ममता जी की 22 हैं, बीजेपी की 18 सीटें हैं, तो एक तरह से ये 18 सीट में ही कुछ वो किसी को दे सकती हैं, अकोमोडेट कर सकती हैं, तो उस 18 में कहां कहां कांग्रेस अगर स्ट्रांग है तो वो उसके लिए तैयार हैं, गिव एंड टेक में वो कह रहे हैं ठीक है। और तृणमूल कांग्रेस के बाहर, वेस्ट बंगाल के बाहर कुछ है नहीं, अगर कुछ थोड़ा बहुत भी बातचीत हो सकती है तो त्रिपुरा में हो सकती है, तो वो एक देखने वाली बात। दूसरे, चंद्रशेखर राव साहब से का मेरे हिसाब से फिलहाल तेलंगाना इलेक्शन तक कोई फाइनल वर्ड नहीं आएगा। उनके लिए मुश्किल ये है कि उनको बीजेपी से भी लड़ना है, उनको कांग्रेस से भी लड़ना है। जो जिस तरह की बातें लोग बता रहे हैं, जिस तरह की वहां से सूचनाएं आ रही हैं, उसके अनुसार कांग्रेस ज्यादा स्ट्रांग है इस समय और कांग्रेस उनको ज्यादा फाइट देगी चंद्रशेखर राव को बनिस्पत बीजेपी। तो उनका जो भी कांग्रेस से रिश्ता होगा वो मुझे ऐसा लगता है स्टेट इलेक्शन के बाद ही वो रिश्ता फाइनल हो पाएगा, अभी वो एक जनरल सी बात होती रहेगी लेकिन वो रिश्ता कोई फाइनल नहीं। केजरीवाल साहब का मुझे लगता है कि मोर और लेस जो दो स्टेट में साफ साफ जहां जहां वो रूल कर रहे हैं, दिल्ली और पंजाब, वही उसको डिसाइड करेंगे। हालांकि दोनों जगह की स्टेट लीडरशिप जो कांग्रेस की है उसके विरोध में है, और एक गुजरात में भी वो डिसाइड करेंगे कि हमें कांग्रेस के साथ कितना। ये कुल मिला के बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, 26 सीट गुजरात में, 26 बीजेपी की है, और 7 और 13 सीट दिल्ली में है, 13 सीट पंजाब में है, तो 20 सीट में जो भी आपस में बंटवारा हो, कांग्रेस की इस समय एग्जिस्टिंग शायद 8 है, आम आदमी पार्टी की 1 है, वो खैर मतलब वही एक है जो मुझे लगता है वो आयरन आउट हो जाएगा। थोड़ा मनीष सिसोदिया फैक्टर भी काम इसलिए करेगा कि जो उनके अभी तक के रिलायबल भी थे, कॉम्पिटेंट भी थे, वो जेल चले गए, और इनको भी एक लार्जर ऑपोजिशन का हिस्सा बने बिना इस समय जो वो बीजेपी से लड़ रहे हैं वो लड़ाई
नहीं हो पाएगी। इसमें जो एक एक सज्जन है उनका रोल मैंने बहुत से लोगों से पूछा, अंत में उनकी पार्टी के लोग भी, वो भी कोई पक्का जवाब नहीं दे पाते। अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं ये बहुत समझ में किसी के नहीं आता है। अब अखिलेश यादव जी का अलग अलग थ्योरी है, जो उनके मतलब उनके बहुत समर्थक लोग हैं वो कहते हैं नहीं नहीं वो डर नहीं रहे हैं। जो समर्थक नहीं है विपक्ष में उनका कहना है कि वो ईडी सीबीआई और इतनी ज्यादा धमकी है कि उससे वो डरते हैं। तो वो अखिलेश यादव जी को, और अखिलेश यादव जी का ये है कि अखिलेश यादव जी को ही वहां फाइनल करना होगा, क्योंकि ना वहां कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो कुछ भी करे। कांग्रेस की वही एक या दो सीट की बात है, वो एक दो सीट की आज की तारीख में वही एक दो सीट की बात है, तो वो अखिलेश यादव को डिसाइड करना, जो अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है उस मामले में। 23 जून की जो बैठक है वो अहम है, जो पटना में नीतीश जी ने बुलाई है, क्योंकि उस बैठक में ये सब जो चीजें हैं मेरे ख्याल में, अगर अगर इन ट्रू स्पिरिट वो बैठक हो जाती है तो शायद उसमें बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम क्या होगा कि सपा एक आध स्टेट में कुछ सीटें चाहेगी, वो देखने वाली बात होगी कि कहाँ वो चाह रही है, क्योंकि उसको यूपी में बीएसपी और कांग्रेस के अलावा कोई ऐसा है ही नहीं कि उसके साथ सीट शेयरिंग हो। तो जो भी ले देते हैं उसका दिक्कत कांग्रेस से होगी। कांग्रेस से वो जो जिन स्टेट में कांग्रेस को यील्ड करना है वो स्टेट में, जैसे कर्नाटक में सपा का तो कुछ है नहीं, दो लोग इलेक्शन लड़ने गए थे वो शायद 1500 के अंदर ही रह गए थे जो इस बार एमएलए का इलेक्शन था। तो खैर अखिलेश यादव जी का ना, अब आ जाती है बात कांग्रेस की। देखिए कर्नाटक इलेक्शन से विपक्ष की राजनीति में देश में वो काम हुआ है, अगर आपको याद हो जब नीतीश कुमार जी एनडीए छोड़ के आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार महागठबंधन वाली बना ली, उसमें बूस्टर डोज मिल गया है, एक एनर्जी का संचार हो गया, सब लोग बहुत उत्साहित हो गए कि अब बस ठीक है। हालांकि नीतीश जी बिहार में सरकार बना रहे थे, बिहार में जैसा जस का तस था, उनकी पार्टी में अपनी लड़ाई बहुत थी, आरसीपीएन से उनके अध्यक्ष थे, वो पार्टी ही लेके भागे जा रहे थे बीजेपी में, क्या क्या सब हो रहा था, लेकिन फिर भी इन सारी दिक्कतों के बाद भी नीतीश जी के एक उस मूव ने जो मानसिक जो वो होता है उसको बहुत उस रोड ब्लॉक को, उस मानसिक ब्लॉक को उन्होंने हटाया था और ये लगा था कि नहीं नहीं अब विपक्ष की एकता हो सकती है। उसी तरह से कर्नाटका इलेक्शन ने वही काम कांग्रेस के लिए भी कर दिया है कि कांग्रेस को अब लोग ये नहीं कि अच्छा ये भी हैं और इनके साथ कैसे होगा, इनके पास तो वो नहीं है, पिटी हुई पार्टी है इत्यादि इत्यादि नहीं। कांग्रेस अब इस समय इसमें उसको अब कहना नहीं पड़ रहा है, जस्टिफाई नहीं हो रहा, कांग्रेस इज देयर, अब कांग्रेस ही विपक्ष की जो भी ढांचा बनेगा उसके इर्द गिर्द बनेगा एज ऑन डे। दूसरा एक बड़ा काम ये हुआ है कि जो खड़गे जी के रूप में जो उनको एक प्रेसिडेंट मिला है वो एक बड़ा भारी एसेट कांग्रेस के लिए तो है ही और विपक्ष के लिए भी। खड़गे जी का लंबा पॉलिटिकल कैरियर है और खड़गे जी राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, मंत्री रहे, ये सब रहे, उनका एक एक अपना अहम है और उसकी अहम रोल रहेगा और उसकी वजह से कांग्रेस का खूब फायदा हो रहा है। कांग्रेस को एक फायदा और है कि एज ऑन डेट उसके जो संभावनाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है वो संभावनाएं अच्छी है, और अगर वो उस पर खरी उतरती है, उसको खरा उतरना पड़ेगा, अगर वो 2024 में अपने को ताकतवर ताकत के रूप में देखना चाहती तो उसको मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जगह उसको इलेक्शन जीतना होगा, तो वो एक एक बड़ा भारी फैक्टर मेरे हिसाब से होगा। दूसरा एक जो फैक्टर मुझे ये लगता है कि तेलंगाना के रिजल्ट भी कुछ एक जिसको कहते हैं ना जोकर इन द पैक, वो रिजल्ट अगर कहीं चौंकाने वाले आ गए तो वो देखना होगा। इट इज टू अर्ली टू से, पर तेलंगाना भी कांग्रेस के लिए एक थोड़ा गेम चेंजर की तरह हो सकता है। अंत में अपनी बात कहने से खत्म करने से पहले, एक एक्स फैक्टर मिल गया है कांग्रेस, जो एक्स फैक्टर मोदी जी के रूप में 2014 में बीजेपी को मिला, लगा था कि यही आके भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सारे लोग जेल में चले जाएंगे, भ्रष्टाचार जीरो हो जाएगा, पैसा भी विदेशी बैंक से यहाँ आ जाएगा, जो पेट्रोल डीजल है वो भी 10-20-30 रुपए लीटर मिलने लगेगा, गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलने लगेगा, वो सारा कुछ एक सपना देखा। उस तरह का एक एक्स फैक्टर राहुल गांधी के रूप में कांग्रेस को मिल गया। उनकी जो सबसे बड़ी है भाई, वो कांग्रेस के लीडर थे लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस एज अ ऑपोजिशन लीडर भी इस समय हो गई। अब ऑपोजिशन का कोई नेता ये कहते हुए नजर नहीं आता कि नहीं 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 राहुल जी कैसे, अरे अभी वो क्या है, अब राहुल इज लीडिंग है, क्योंकि जो पटना में अभी विपक्ष की बैठक हो रही है
उसमें हो रहा है कि ये पार्टीज आ रही हैं और राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो राहुल गांधी इज अ फैक्टर। राहुल गांधी की जो बड़ी स्ट्रेंथ अभी हुई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उन्होंने वो जो कनेक्ट विद द पीपल था, जो देश के कुछ नेताओं को था, मैं नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ नेताओं का था, उनका कनेक्ट होता था, वो कनेक्ट विद द पीपल उन्होंने उसको सुरताल करके वो कनेक्ट हो गए हैं और इस समय वो बिल्कुल ठीक से आम आदमी के साथ कनेक्टेड। और एक चीज जो अंडरलाइन धीरे 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 अपने हिसाब से वो मैसेज आता है, अब उनका कंट्रास्ट विद मोदी होता है। एक आदमी दिन में 6 बार कपड़े बदल रहा है, एक आदमी टी शर्ट ही पहन के घूम रहा है, एक आदमी कह रहा है कि मैं गुफा में बैठ के मैं ध्यान करता हूँ जहाँ पे 6 कैमरे लगा के करता हूँ, एक आदमी रोड पे चल रहा है 4000 किलोमीटर, एक आदमी कहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने कहाँ कहाँ एंटायर पॉलिटिकल साइंस पे एमए किया, एक आदमी सामने जाके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से बातचीत करता है, एक आदमी जो ये कहता है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, मन की बात केवल करता है, एक आदमी जाके जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है उनको फेस कर रहा है। तो वो एक कंट्रास्ट भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने दिख रहा है राहुल गांधी का। ओवरऑल मुझे आज की तारीख में ये लग रहा है कि ऑपोजिशन हैज अ चांस, लेकिन कांग्रेस को भी उन स्टेट्स में जो जो मैंने पहले भी कहा था, 190 सीट जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, जिसमें से केवल 15 सीट कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस को भी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा और ऑपोजिशन जो बाकी पार्टीज हैं उनको भी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो 2024 में, अगर वो उनके मन में ये सपना है कि वो बीजेपी को रिप्लेस करें, तभी पूरा हो सकता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।